तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों से कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि आप ट्रेलर के बारे में बताओ कि ट्रेलर का बिजनेस कैसे करें, या एक ट्रक खरीदते हैं ट्रेलर तो उसको कैसे मेंटेन करें और कितना कमाई कर सकते हैं, तो वगैरह वगैरह सारा कुछ जो है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूँ कि ये टाटा का सिग्ना ट्रक है और ये ट्रेलर जो ट्रेलर है 22 चक्का ट्रेलर है और इसको आस्ते आस्ते मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ खासियत है इसमें। ट्रेलर है और इसके ये आप देख सकते हो कि ये अंदर का पार्ट से दो बैटरी से चार सिलेंडर है यहाँ पे, और यहाँ भी एक दिया है यहाँ पे जो रहता है यहाँ ये पार्ट से बॉडी का टाटा का सिग्ना का, और यहाँ से जो बॉडी स्टार्ट हो जाता है ये इसको कहा जाता है फुल बॉडी ट्रेलर, इसको फुल बॉडी ट्रेलर कहा जाता है। और इसमें 22 चक्का है आप देख सकते हो। और बात करते हैं इसकी जो कैपेसिटी होती है, लोड कैपेसिटी, यहाँ पे आप देखो माल भी खाली कर रही है गाड़ी, तो ये इसको फुल बॉडी ट्रेलर कहा जाता है। और एक ट्रेलर ऐसा आता है जो पूरा प्लेन होता है, उसमें जो है रेलवे का ट्रैक या कोई भी लोहा का सामान आता है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे लेबर खाली कर रहे हैं तो ये 22 चक्का ट्रेलर है। और कुछ जानते हैं यहाँ से दोस्तों? तो ये सब तो हुआ, ये आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे मेरे सामने जो इसको चलाने वाले जो ड्राइवर है वो भी मेरे साथ है, तो इनसे हम आस्ते आस्ते पूछते हैं कि क्या क्या चीज़ इसका पेलोड है, प्राइस कितना पड़ेगा और इसमें चलाने में कितना प्रॉफिट होगा, सारा कुछ हम पूछते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि यहाँ पे इसका जो पेलोड कैपेसिटी है क्या होना चाहिए? 40 टन है उसका, 400 क्विंटल। 40 टन आपका पेलोड कैपेसिटी है, 40 टन का कैपेसिटी है। अगर कोई लेता है ट्रक तो वो क्या फ़ायदा में रहेगा या नहीं रहेगा? अगर कोई ट्रेलर रहता है बॉडी फुल बॉडी वाला, अब ये तो काम के ऊपर में, उसके पास जैसा काम हो तो बेटर तो रहेगा। कितना बड़ा काम है, कैसा काम है, जैसा काम रहेगा वैसा आपका प्रॉफिट मिलेगा यहाँ इस गाड़ी को अगर आप लेते हो तो। बात सीधी सी है। और इसमें जो खास बात ये है कि ट्रेलर का बिजनेस में करना चाहिए कि ना, मान लो कोई नया है न्यू अगर आप हो तो करना चाहिए कि नहीं, ये हम उनसे पूछ लेते हैं। क्या बात, करने में कोई बुराई नहीं है, करने में कोई बुराई नहीं है, तो है सब ढंग से चला पाएगा आदमी, इसका प्रॉफिट है। तो आप चलाते तो आपको कैसा लगता है? आपको अच्छा लगता है? अच्छा ही लगता है, क्या है। तो 22 चक्का का ट्रेलर ये चलाते हैं और इनको बहुत अच्छा लगता है और ये कमाई भी उतना कर लेते हैं। अभी तो फिलहाल 80,000 के भाड़े में आया ना ये, 1,20,000-1,30,000 तक होता है। हालांकि यह है उत्तराखंड से, ये गाड़ी आया है आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये उत्तराखंड से आया है ना राइट, तो उत्तराखंड से आया है, 80,000 का भाड़ा लेकर आया है। लेकिन ये भाड़ा थोड़ा सा डाउन में है तो लेकर आ गए, नहीं तो ये 1,20,000 के ऊपर ही भाड़ा होता है कोई भी ट्रेलर का 22 चक्का का, है ना। तो आप सोच सकते हो कि इस बिज़नेस को कैसा रहेगा करने में। तो इसका जो प्राइस क्या पड़ता है अगर 22 चक्का लेते हैं तो? इसका सब में ब्याज लगा के पड़ेगा 40 लाख। सब ब्याज व्याज लगा कर 40 लाख पड़ेगा। हर महीना कितना देना पड़ेगा? 75,000 का आपका किस्त लगेगा, हर महीना आपका 75,000 तक लग जाएगा। और इसमें एक चीज़ और ख़ास बात मैं बता दूँ कि ये जो बिज़नेस है, आप न्यू हो तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा सोच समझ को करना चाहिए लॉन्ग टूर में। अगर लेते हो, आपका पास इन्वेस्ट करना चाहते हो अपने गाड़ी को, तो ये ले सकते हो क्या? कमाई अच्छा है, आप ड्राइवर अच्छा खोज लो क्या, तो बहुत बढ़िया है दोस्तों। अब बता देते हैं, बताना चाहते हैं कि आप लोगों को कितना बच जाता है अगर आप इस गाड़ी को लेते हो तो पूरा, अगर ट्रिप में कितना बचता है हम ये जान लेते हैं कि ट्रिप में पूरा कितना बचेगा आपका। मान ले 80,000 का तो ये भाड़ा लेकर आए, उसमें आपका कितना बचेगा, जो मालिक का क्या बचेगा? अभी तो ये किस्ती का ही लेके जाएगा बस, इस चक्कर में, इसका चक्कर में किस्ती का ही लेके जाएंगे। फिर भी मतलब एक होता है ना, मतलब सब कुछ काट कूट कर, सब कुछ काट कूट कर भी जब तक गाड़ी फ्री होगा तब तक कुछ नहीं बचता है, वही अपना पूरा कर पाता है अपना स्टाफ का। तो दोस्तों यहाँ पे बात ये कि जब तक किस्ती जो क्लियर नहीं होगा तब तक जो इनका जो कमाई है, मान लो आप मान सकते हो कि 20,000 से 25,000 के अंदर ही इनका जो नेट है सब खर्चा हटाकर, किस्त भी देकर, इनका ड्राइवर का खर्चा देकर, हालांकि ये मालिक का गाड़ी है ना, ये मालिक का गाड़ी है, तो मिनिमम आप समझ सकते हो कि 20,000 आपका बचेगा न्यू में। हालांकि जब किस्ती पूरा हो जाएगा, अगर क्लियर हो जाएगा आपका सब कुछ, तो ये आप फ़ायदा में रहोगे बहुत ज़्यादा, क्या बहुत ज़्यादा फ़ायदा में रहोगे दोस्तों। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये गाड़ी आपको बहुत ही अच्छा रहेगा अगर इसका बिजनेस करना चाहते हो तो, क्योंकि एक बार अगर क्लियर हो जाता है ना तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे खासे पैसे को कमा सकते हो। और ये बहुत फ़ायदे वाली गाड़ी है ट्रेलर, इसके बड़ा ट्रेलर है, इसके अलावा एक छोटा ट्रेलर मतलब प्लेन ट्रेलर होता है, उसमें आपका और ज़्यादा बचता है पैसा।
तो देखो सोच समझ लो, और आपको लेना है तो ले सकते हो। अब इसका कमाई भी बढ़िया है, मैंने आपको पिछवा भी दिया रेट किया, फ़ायदा होता है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया कि आप ट्रेलर का बिज़नेस कैसे कर सकते हो, तो आपको जो करना है सोच समझ के करना है। नए हो तो पहले किस्त चुकाने के ऊपर ध्यान देना है, उसके बाद काम को करना है।